हेलो गाइज, वेलकम टू अर्जुन ऑफ ज्ञान। गाइज, मैंने इसकी पिछले वाली वीडियो में बताया था एक थ्योरम। अब न्यू चीज स्टार्ट करने वाले हैं, वो है वेक्टर ट्रिपल प्रोजेक्ट। अगर आप मेरे जेन्युइन व्यूअर्स हैं तो आपको पता होगा कि मैं कोचिंग के तरही में यहाँ पे अब सिलेबस स्टार्ट कर रहा हूँ। मैंने अभी तक जितना भी कुछ बताया हुआ है, एक एक चीज स्टार्टिंग से लेकर मैं बताया हूँ, एक भी चीज स्किप नहीं किया हूँ। एक रिक्वेस्ट है आपसे, जो भी स्टूडेंट इस वीडियो को देख रहे हो तो प्लीज इस वीडियो को शेयर कर देना। अगर हमारे इस चैनल से कुछ सीखने को मिलता है तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करना। बहुत छोटा सा चैनल है, मैं चाहता हूँ कि इसको एक हाई लेवल पे लेके जाऊँ, और ये आपके सपोर्ट के बिना नहीं हो सकता है। मैं कोशिश करूंगा जो भी टॉपिक जो आपके कोचिंग में, स्कूल में जो पढ़ाए जाते हैं, कॉलेज में पढ़ाए जाते हैं, स्टार्टिंग से हर एक चीज कैप्चर करूंगा। अब स्टार्ट करते हैं हमारा आज का टॉपिक, जो कि है वेक्टर ट्रिपल प्रोजेक्ट। यहाँ पे नाम से ही पता चल रहा है कि वेक्टर का जो तीन डॉट प्रोडक्ट होगा, इसमें थ्री वेक्टर होगा। इसका डेफिनेशन जान लेते हैं। यहाँ पे भी थ्री वेक्टर ए बी एंड सी है, जिसे कि हम लोग डिनोट करते हैं ब्रैकेट में वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर सी, या फिर हम इसको लिख सकते हैं वेक्टर ए क्रॉस ब्रैकेट में वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर सी। मैंने आपको यहाँ पे समझाने के लिए लिया हुआ है, यहाँ पे देख सकते हो जिस तरह से मैंने पहले बताया था कि स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट जब हम बता रहे थे तो उस टाइम में जो यहाँ पे डिफाइन करने का जो तरीका था, तो वेक्टर ए वेक्टर बी एंड वेक्टर सी को हम कुछ इस तरह से हम डिफाइन करते थे, ओके, और ये इस तरह से है। लेकिन यहाँ पे वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट में आप देख सकते हो डिफरेंस क्या है, कि ये चीज़ तो है बट यहाँ पे डॉट की जगह क्रॉस है, ओके। यहाँ पे डॉट था स्केलर ट्रिपल में और यहाँ पे क्रॉस है, फिर उसी तरह से यहाँ पे डॉट है तो वेक्टर में क्रॉस है। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है जब भी आपको वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट लिखना हो तो, ओके। अब आगे बढ़ते हैं, अब इसको डिफाइन कैसे कर सकते हैं। यहाँ पे लिखना है एंड डिफाइंड एज, तो इसको हम वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर सी को हम वेक्टर ए डॉट वेक्टर सी और वेक्टर बी इस तरह से लिखेंगे, फिर माइनस वेक्टर बी डॉट वेक्टर सी इनटू वेक्टर ए, और फिर इसको इस तरह से डिफाइन करने का तरीका, यानी कि वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर सी, इसको हम किस तरह से डिफाइन करेंगे अगर ये चीज़ हो तो, वेक्टर ए डॉट वेक्टर सी इनटू बी माइनस वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इनटू सी। तो आपको ध्यान देना है, यहाँ पे फिर आ जाते हैं, आपको ध्यान ये देना है कि यहाँ पे जिस तरह से स्केलर में था ये चीज़ हम लिख के और फिर उसको डिफाइन करते थे ये चीज़, तो वेक्टर में ये चीज़ लिख के डिफाइन करना है। क्या चीज़ यहाँ पे लिखना है, जो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है ये चीज़, ओके। तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा कर देता हूँ, आपका ये और ये चीज़ इम्पोर्टेंट है, और फिर ये दोनों जो डिफाइन करने का प्रोसेस है आपको ये माइंड में रखना है, ओके। यहाँ पे अगर हम इस तरह से दें, आपको कंफ्यूज नहीं होना है, अगर इस तरह से दें तो वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट है, अगर इस तरह से दें तो वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट है, अगर इस तरह से दें तो हमको इस तरह से डिफाइन करना है, अगर इस तरह से दें तो हमको इस तरह से डिफाइन करना है, ओके। अब चलते हैं मेन चीज़ पे, प्रूफ पे। इसका डिफाइंड जो हम किए वो ये आया, तो ये चीज़ कहाँ से आया वो चीज़ देखना है। मैं अक्सर देखता हूँ जो भी टीचर पढ़ाते हैं तो वो चीज़ यहाँ पे तो लिख देते हैं डिफाइंड करने का तरीका इस तरह से, लेकिन यहाँ इसका प्रूफ नहीं बताते कि ये आया कहाँ से है, तो इसको ध्यान से देखना। चलते प्रूफ पे, मान लेते हैं ये ए बी एंड सी आर एनी थ्री वेक्टर्स। अब ये वेक्टर ए बी सी किस किस डायरेक्शन में है वो लिखना है, सच दैट वेक्टर बी जो है इज अलोंग वाई एक्सिस, ओके, एंड वेक्टर सी अलोंग वाई एंड जेड प्लेन, एंड वेक्टर ए इज अलोंग एनी डायरेक्शन। यहाँ पे मैं मेन चीज़ को कर देता हूँ ताकि आपको समझ में आए, ओके। यहाँ पे एक छोटा सा मैं नोट कर लेता हूँ, ये चीज़ एक्सिस जो है यहाँ पे दिया हुआ है, एक सेकेंड, ये फैन बन गया, चलो यहाँ पे समझो, ये हो गया जेड एक्सिस, ये हो गया एक्स एक्सिस, ये हो गया वाई एक्सिस। आप जानते हो यहाँ पे ये जो है वेक्टर के, जो कि यूनिट वेक्टर होता है, वेक्टर जे एंड वेक्टर आई होता है। अब यहाँ पे ध्यान से देखना, यहाँ पे क्या दिया हुआ है, यहाँ पे बोला है कि ये वेक्टर बी जो है वो वाई एक्सिस के अलोंग है, यानी कि यहाँ पे ये जो वाई एक्सिस है इसके अलोंग वेक्टर बी है,
ओके तो इसका डायरेक्शन में जो लिखाएगा वो वेक्टर जे लिखाएगा, यूनिट वेक्टर जो इसका लिखाएगा। ओके फिर यहाँ पे देखो वेक्टर सी का अलोंग जो है वाई और जेड प्लेन है, यानी कि ये और जेड, यानी कि ये हो गया वाई और जेड प्लेन। तो यानी कि ये दोनों मौजूद है यहाँ पे, यानी कि जे भी मौजूद है और के भी मौजूद है। तो यानी कि ये हो गया वेक्टर सी के लिए, वेक्टर सी के लिए ये चीज़ हो गया, दोनों चीज़ हो गया यहाँ पे। ओके क्योंकि ये दोनों जो है वो एक ही प्लेन में है, ध्यान से समझना मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। अब यहाँ पे देखो और वेक्टर ए जो है वो एनी डायरेक्शन, यानी कि वेक्टर ए जो है वो कोई भी डायरेक्शन में होगा, यानी कि इसमें भी होगा, इसमें भी होगा और इसमें भी होगा। तो कहने का क्या मतलब है, अगर हम इसका एग्जाम्पल लिखेंगे इसका मतलब क्या होता है, अर्थात यानी कि वेक्टर ए बराबर हो जाएगा, वेक्टर ए है कोई भी डायरेक्शन, यानी कि इसका एक एग्जाम्पल लेते हैं, मान लेते हैं ए वन जो है वो आई प्लस ए टू जे में भी है प्लस ए थ्री के में भी है, समझ में आया। यानी कि बोल रहा है एनी डायरेक्शन, तो ये क्या है यूनिट वेक्टर, एक डायरेक्शन को ही इंडिकेट करता है ना। तो एनी डायरेक्शन मान लेते आई में भी है, जे में भी है और के में भी है। ओके अब वेक्टर बी, वेक्टर बी किस में है, यहाँ पे देखो वेक्टर बी जो है सिर्फ वाई एक्सिस के अलोंग है, यानी कि सिर्फ वाई एक्सिस में है और वाई एक्सिस के अलोंग ये यूनिट वेक्टर जे आता है। तो यहाँ पे सिर्फ होगा जे होगा, तो यहाँ पे जे की जगह पे बी टू जे लिखेंगे। ओके अब यहाँ पे वेक्टर सी है, वेक्टर सी में क्या होगा, यहाँ पे देखो वेक्टर सी के अलोंग है वाई और जेड प्लेन, यानी कि वाई और जेड प्लेन है। तो इसका डायरेक्शन क्या है, जे और के, यानी कि जे और के, यानी कि जे मिला यहाँ पे तो हो जाएगा सी टू जे और के भी है तो प्लस सी थ्री के। ये समझ में आ गया, अगर नहीं समझ आया तो फिर से पीछे बैक जाके आप देख सकते हो। अब यहाँ पे देखो मैंने यहाँ पे बताया ये चीज़ जो है वो इक्वल होगा इसके, क्योंकि ये डिफाइंड किया हुआ है तो ये चीज़ इक्वल होगा इसके। तो यहाँ पे हम LHS और RHS लेकर चलेंगे, पहले LHS लेकर देखेंगे, अगर दोनों समान आता है तो समझ जाएंगे कि ये दोनों सही है, मतलब इसका डिफिनेशन जो लिखे थे वो सही था। तो चलते हैं LHS पे। तो LHS हमारा क्या है, LHS है ये चीज़ है हमारा LHS। तो इसको हम लेकर चलते हैं, इसको हम क्या क्या कर सकते हैं बस वो देखना। अब यहाँ देखो ये चीज़ आपको नहीं लगता कि वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी जो है उसका कुछ निकल सकता है यहाँ पे, याद करो मैंने पिछले वीडियो में बताया था जब मैं बता रहा था क्रॉस प्रोडक्ट के बारे में, तो वहाँ पे मैंने डिटरमिनेंट मेथड से निकाला था, कुछ डिफाइंड किया था, याद है आपको। तो वो चीज़ यहाँ पे लिखेंगे, क्या डिफाइंड किए थे वो चीज़ लिखना है। हम यहाँ पे जाने थे आई जे के ए वन ए टू ए थ्री बी वन बी टू बी थ्री इस तरह से लिख सकते हैं, ये चीज़ मैंने बताया हुआ है, और फिर बाकी जो बचा क्रॉस सी लिख देते हैं। ओके अब थोड़ा सा ध्यान से देखना यहाँ पे, यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है बी वन बी टू बी थ्री भी लिखा हुआ है, बट यहाँ पे अगर हम इसका वैल्यू पुट करेंगे ए वन यानी कि वेक्टर ए का तो यहाँ पे मिल जाएगा सारा चीज़ ए वन ए टू ए थ्री, लेकिन अगर वेक्टर बी का लिखना चाहें बी वन बी टू बी थ्री तो बी वन और बी थ्री ये चीज़ यहाँ पे नहीं है। तो नहीं है मीन्स क्या है, ज़ीरो है, यहाँ पे कुछ नहीं है। तो यहाँ पे हम इसको फाइनल लिखेंगे ये चीज़ क्रॉस सी, क्योंकि नहीं है तो ज़ीरो ज़ीरो लिख दिए। अब चलो इसका जो है डिटरमिनेंट निकालते हैं। ओके तो आप लोग डिटरमिनेंट निकालने जानते हो क्या होगा, आई को कॉमन लेना है, आई को लेना है तो आई का जो कॉलम है और रो है वो हाइड हो जाएगा, तो क्या बचेगा, ये चीज़ बचेगा, तो आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे, तो वो चीज़ आप जानते हो, तो मैं यहाँ पे सिर्फ कर देता हूँ। ओके फिर यहाँ पे जे लेंगे तो यहाँ पे माइनस जे हो जाएगा, तो फिर इसका करेंगे तो इसका कॉलम और इसका रो हाइड हो जाएगा, तो क्या बचेगा, ये और ये और ये, तो इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये ज़ीरो हो जाएगा। तो सिंपली यहाँ पे लिखेंगे ये ज़ीरो हो जाएगा। फिर आगे चलते प्लस के, तो इसका कॉलम और इसका रो हाइड हो जाएगा, तो क्या बचेगा, अब यहाँ लास्ट में है क्रॉस सी यानी कि वेक्टर सी, तो इसको लिख देते हैं, इसको साइड में कर देते हैं बड़ी ब्रैकेट से ताकि ये अलग दिखे। अब यहाँ पे देखो इसको हम ये नहीं लिखते, इसको हम लिखते हैं माइनस बी टू ए थ्री आई कर देते हैं। ओके फिर ये तो ज़ीरो हो जाएगा यहाँ पे, फिर हो जाएगा प्लस, फिर इसको बंद कर देते हैं और फिर क्रॉस। अब यहाँ पे वेक्टर सी का जो वैल्यू है वो यहाँ है, वेक्टर सी ये रहा, तो ये चीज़ यहाँ पे दे देते हैं, क्या है सी टू जे प्लस सी थ्री के। ओके अब यहाँ पे देखो, अब जो है इन दोनों का क्रॉस करना है ना, इन दोनों का क्रॉस निकालना है। तो अब ये मान के चलो ये है वेक्टर ए और ये है वेक्टर सी, यानी कि इन दोनों का क्रॉस करना है,
तो इसको लेकर चलेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, फिर उसी तरह से हम लिखेंगे आई जे के, और ये हो जाएगा माइनस ए थ्री बी टू, और फिर ये ज़ीरो हो जाएगा, और फिर ए वन बी टू, ठीक है। फिर यहाँ पे सी है तो यहाँ पे तो दिया हुआ नहीं है, सिर्फ डायरेक्ट यहाँ पे सी टू से स्टार्ट है, तो यानी कि ये ज़ीरो होगा, और फिर सी टू है, और फिर यहाँ पे सी थ्री है, ओके। और फिर एक नया डिटरमिनेंट बन गया, अब इसको सॉल्व करना है, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, जब आप इसको सॉल्व करोगे तो ये आएगा, और फिर यहाँ पे हो जाएगा प्लस ए थ्री बी टू सी थ्री जे माइनस ए थ्री बी टू सी टू के, ओके। तो यहाँ पे मैंने एल एच एस लिया था तो वो फाइनली ये चीज़ आया, ओके। अब हमको आर एच एस लेना है, और आर एच एस क्या है, आर एच एस हमारा ये है, तो इसको हम यहाँ पे लिख देते हैं। इसको अब थोड़ा सा ध्यान से देखना, ओके। थोड़ा सा बैक चलते हैं, डॉट प्रोडक्ट में चलते हैं, और फिर जानते हैं यहाँ पे क्या है, ये ध्यान में रखना, वेक्टर ए डॉट वेक्टर सी है, ओके। तो आ जाओ यहाँ पे, देखो जब भी हम पहले करते थे वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी करते थे, तो यहाँ पे ए वन बी वन प्लस ए टू बी टू प्लस ए थ्री बी थ्री लेते थे, ओके। इस तरह से हम मल्टीप्लिकेशन करते थे वेक्टर का, दो वेक्टर का, बट यहाँ पे बी के जगह पे सी है, तो यहाँ पे थोड़ा सा चेंज हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा ए वन सी वन प्लस ए टू सी टू प्लस ए थ्री सी थ्री। अब यहाँ पे देखो, ये जो है वेक्टर ए डॉट वेक्टर सी जो है, इसके जगह पे हम ये लिख सकते हैं, ये लिखेंगे ये फॉर्मूला, लेकिन एक चीज़ यहाँ पे ध्यान देना कि अगर हम वेक्टर ए लेते हैं ए वन, और फिर वेक्टर सी वन लेते हैं, तो यहाँ पे देखो सी वन, देखो यहाँ पे ये वेक्टर सी है, लेकिन यहाँ पे सी वन कहीं है नहीं है, तो सी वन यहाँ पे ज़ीरो है, तो अगर यहाँ पे ज़ीरो वैल्यू पुट करेंगे तो ये ज़ीरो मल्टीप्लाई और ये हो जाएगा, तो यानी कि ये ज़ीरो हो जाएगा, तो ये ख़त्म हो जाएगा। फिर यहाँ पे ए टू सी टू, ये हो सकता है ए टू यहाँ पे है और सी टू यहाँ पे है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो ए थ्री और सी थ्री, ए थ्री और सी थ्री, यानी कि ये चीज़ हो सकता है लेकिन ये चीज़ माइनस हो जाएगा, तो यहाँ पर हम ये चीज़ लिख सकते हैं ए टू सी टू प्लस ए थ्री सी थ्री, और यहाँ पे जो वेक्टर बी है, तो वेक्टर बी का वैल्यू क्या है यहाँ पर, ये देखो यहाँ पे है वेक्टर बी है बी टू जे, और यहाँ पे मैं बैठा दूंगा बी टू जे, ओके समझ में आया। अब फिर यहाँ पे उसी तरह से करेंगे, यहाँ पे हो जाएगा माइनस, और फिर यहाँ पे वेक्टर बी डॉट वेक्टर सी, अब उसी तरह से इसको भी करेंगे। अब देखो यहाँ पे भी मैं वेक्टर बी डॉट वेक्टर सी किया, तो इसका जो आया ये होगा। अब यहाँ पे देखो बी वन यहाँ पे नहीं है, तो जो नहीं है यानी कि ज़ीरो है, तो ये ज़ीरो हो जाएगा, ओके। अब यहाँ पे देखो बी टू है, बी टू है यहाँ पे, और सी टू भी है यहाँ पे, सी टू भी है यहाँ पे, बी थ्री, बी थ्री देखो यहाँ पे बी थ्री नहीं है यानी कि ज़ीरो है, तो यहाँ पे ज़ीरो हो जाएगा, तो ये ज़ीरो मल्टीप्लाई सी थ्री हो जाएगा, तो यानी कि ज़ीरो हो जाएगा, तो बचा क्या बी टू सी टू, तो यहाँ पे लिखेंगे बी टू सी टू, और यहाँ पे वेक्टर ए का जो वैल्यू है वो ये पुट करेंगे ए वन आई प्लस ए टू जे प्लस ए थ्री के। अब यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, और फिर इसको जो है इससे मल्टीप्लाई करेंगे, तो क्या आएगा, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, यहाँ पे देखो ए टू, और फिर इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे बी टू, और फिर यहाँ पे सी टू, अरेंज करके थोड़ा सा लिख देते हैं, और फिर वेक्टर जे, ओके। फिर प्लस, फिर यहाँ पे ए थ्री, फिर यहाँ पे बी टू, फिर यहाँ पे C3, और फिर वेक्टर J, ओके। फिर यहाँ पे माइनस में इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, तो A1, B2, C2, और ये I, ओके। फिर यहाँ पे माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, फिर यहाँ पे इसको करेंगे इसको इससे, तो हो जाएगा A2, B2, C2, J, ओके। फिर प्लस, फिर इसको यानी कि A3K को फिर इससे मल्टीप्लाई करेंगे, तो हो जाएगा, अब देखो ये चीज़ और ये चीज़ कट गया, ये प्लस में है ये माइनस में है, कट जाएगा। अब जो बचा उसको लिख देते हैं, तो क्या बचा यहाँ पे, ये बचा, फिर ये बचा, ये आई है यूनिट वेक्टर, ये आई, ओके, और फिर ये बचा। अब यहाँ पे देखो ये थोड़ा सा ये अरेंज में नहीं है, यहाँ पे देखो ये आई है, ये जे है और ये के है, तो आई जे के को एक जगह लिख देते हैं, आई है तो यहाँ पे माइनस में है, तो माइनस ए वन बी टू सी टू आई, फिर ये प्लस है तो प्लस ए थ्री बी टू सी थ्री जे, और फिर ये प्लस ए थ्री बी टू सी टू के। अब ध्यान से देखना, ये हमारा निकला आर एच एस, ओके। और एल एच एस को देखो, यहाँ पे देखो ये रहा एल एच एस और ये रहा आर एच एस, दोनों देखो दोनों एक जैसा है,
है ना, यानी कि दोनों बराबर में आ गया, यानी कि LHS बराबर RHS आ गया। तो इसका मतलब ये है, अगर ये चीज़ है तो इसको हम ये चीज़ भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पे फाइनली लिखना है, इसलिए LHS बराबर RHS प्रूव्ड। तो गाइज आज के लिए वीडियो यहीं तक रहने देते हैं, उम्मीद है कि ये आपको पसंद आया होगा, उम्मीद है कि ये आपको समझ में भी आया होगा। बट नेक्स्ट वीडियो में मैं बताऊंगा स्केलर प्रोडक्ट ऑफ 4 वेक्टर्स, यानी कि 4 वेक्टर्स का स्केलर प्रोडक्ट। तो गाइज इसी तरह से हमारे वीडियो में बने रहे और प्लीज़ इसी तरह से सपोर्ट करना। थैंक यू सो मच गाइज़।